हम लोग पेट्रोल में थर्माकोल डालते हैं तो पूरी तरह से क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है। हम लोग अगर इसमें घोलते ही चले जाएं, इस थर्माकोल को पेट्रोल में घोलते ही चले जाएं तो कुछ तो बनेगा। तो आइए देखते हैं क्या बनता है। ये घुल गया भाई साहब, और घोलते हैं। एक कुछ ऐसे चलाने वाला दूँ, लेकर आओ, और घोलते हैं। आप देख सकते हैं लगातार इसमें क्या हो रहा है, ये थर्माकोल घुलता चला जा रहा है। हम लोग और घोलते हैं, आप देख रहे कितनी तेज़ी से क्या हो रहा है, ये डिजॉल्व होता चला जा रहा है इसमें। खोलते चले जाते हैं, फिर देखते हैं कुछ तो होगा, क्या बन के आता है वही हम लोग को देखना है फाइनल प्रोडक्ट। आप देखो यहाँ पर कुछ लुगदी जैसा दिखने लग गया है, और हम लोग इसमें घोलते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, क्या बनता है। आप देख रहे हैं लगातार इसमें क्या हो रहा है, ये थर्माकोल इसमें डिजॉल्व होता चला जा रहा है, और हम लोग इसमें घोलते जा रहे हैं लगातार। और इसमें घुल जा रहा है, ये बिल्कुल गोंद सा हो गया है। आप देख सकते हैं इसमें गोंद की तरह ये व्यवहार करने लग गया है। ये ना तो थर्माकोल बचा है और ना पेट्रोल, यानी कि पेट्रोल जैसा लिक्विड भी नहीं रहा है और ये थर्माकोल जैसे सॉलिड भी नहीं रहा है। तो बीच वाला पार्ट आ गया है, और देख सकते हैं ये ग्लू जैसा काम करने लग गया, अर्थात गोंद जैसा काम करने लग गया है। तो हम लोग ये पाते हैं कि जब हम लोग थर्माकोल को पेट्रोल में डिजॉल्व करते हैं तो हम क्या गोंद जैसा कोई पदार्थ बन जाता है, जो ना तो पूरी तरह सॉलिड होता है, ना ही क्या होता है, पूरी तरह से लिक्विड होता है।